जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। घनसौर में हुआ गोंडवाना की धर्मगुरु दादा दुर्गे भगत का सत्कार। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के घनसौर ब्लॉक मुख्यालय के पास गोंडी धर्म संस्कृति के कार्यकर्ताओं द्वारा कर्मदार महापूजा एवं कर्मा नृत्य का आयोजन छिंदवाड़ा जाते समय गोंडवाना के गुरुदादा दुर्गे भगत एवं गुरु माता दुर्गेश्वरी भगत जी के सत्कार एवं स्वागत में सम्मान कार्यक्रम में किया गया। मीडिया जगत से बातें करते हुए दुर्गे भगत जी ने बताया कि हम लोग प्रकृति पूजक हैं, अपनी धर्म संस्कृति को सुसज्जित करने के लिए कर्मदार पूजन हर वर्ष छिंदवाड़ा के बड़े तालाब के पास 17 वर्षों से किया जा रहा है। उन्होंने गोंड संत का भी उल्लेख किया। गोंड संत की उत्पत्ति के बारे में बताया जो चौपाइया रामायण में दी जाती है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, यही पांच तत्वों से गोंड शब्द का अर्थ बना है। संविधान में भी गुरुजी के द्वारा बताया गया कि हमें हिंदू रीति रिवाज से शुरू से ही अलग रखा गया है। आदिवासियों का संविधान में हिंदू होने का कहीं वर्णन नहीं है। हम लोग शुरू से ही प्रकृति पूजक हैं। गुरु दादा ना सेवा सेवा, गुरु दादा ना सेवा सेवा, दुर्गे भगत का सेवा सेवा। अनादिकाल से हमारे पुरखों के द्वारा भादों उजाला पक्ष एकादशी के दिन गोंडी धर्म रीति नीति परंपरा रूढ़ी के तहत कर्मदार महापूजा महोत्सव को मनाते आ रहे थे। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, क्योंकि संस्कृति से ही पहचान बनती है, अपनी पहचान को बनाए रखने हेतु इस उद्देश्य से, क्योंकि हम आदिवासी समाज हैं और आज यह हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जब देखते हैं तो 1871 से लेकर से 1941 तक जनगणना हुई। उस जनगणना में इन 6 धर्मों से हम आदिवासियों को, खासकर गुर्जर जातियों को, इन धर्मों से हमको अलग रखा गया। और अपनी धर्म की पहचान को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षार्थ के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इस उद्देश्य से समूह के रूप में मिल करके इस बार छिंदवाड़ा में कर्मदार महापूजन का आयोजन इन बालक बालिका समाज द्वारा रखा गया है। हम वहीं जा रहे हैं 4 साल के लिए, क्योंकि लोग बात कहते हैं कि आदिवासी अंधविश्वासी। मैंने तो डॉक्टर को चैलेंज भी किया था कि हम किस तरह से अंधविश्वासी हैं बताइए, क्योंकि उनका कहना था कि जैसे कि हम हरेली त्यौहार के दिन भेलवा का डगाल को हम खेत में गाड़ने जा रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप अंधविश्वासी। हमने कहा कैसे अंधविश्वासी, हमको बताइए अंधविश्वासी का अर्थ बताइए। अंधविश्वासी हम अंधविश्वासी नहीं बल्कि हम प्रकृतिवादी हैं और प्रकृति पूजक हैं। और उस समय भी हमको प्रकृति पूजक के रूप में अलग रखा गया था। उसी तरीके से हम अभी भी, जैसे कि जनगणना होने वाला है, हमें जानना चाहते हैं सरकार से कि जब 1871 से 1941 तक इन 6 धर्मों से हमको अलग रखा गया था और छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता कि धारा 164-165 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर वहाँ जाति का गोण है तो उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता। तो हम हैं क्या? अभी हम क्या लिखे जनगणना में? सरकार से हम पूछना चाहते हैं। हमारी आवाज अगर है आपकी तो दिल्ली तो पहुंचे चाहिए, तब तो लीजिए आप लोग। मैं पूरा बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने जो नियम बनाया है, ठीक है, उस पे आपको अलग रखा गया, मगर आप मध्य प्रदेश में बांट दे रहे हैं। वहाँ नहीं, वो तो जब 1871 में जब जनगणना हुआ, गजेटे निकाल के देखिए, अंग्रेज के जमाने में भी इन 6 धर्मों से हमको अलग रखा गया था। अमित नामा को दिया गया था। अमित का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में MIT। अमित का अर्थ क्या होता है? अमित का अर्थ होता है प्रकृति पूजक। आदिवासियों को हमको प्रकृति पूजक के रूप से अलग रखा गया। उसी के तहत छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा पर झा द्वारा लिखी पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर वहाँ आदिवासी है तो उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता, अगर वहाँ जाति का गोण है उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता, अगर जाति का वहाँ गोण है तो उसको बहन को बंटवारा देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि उनकी रूढ़ी और परंपरा पर वो व्यसित होते हैं।
और उसी रूढ़ी परंपरा को बनाए रखने के लिए हम पुनः छिंदवाड़ा की ओर आज कर्मदार महोत्सव की ओर जा रहे हैं। संविधान में सर रूढ़ी ये हमारा गोंडी धर्म संरक्षण समिति एवं छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम होने जा रहा है और ये पंजीकृत संस्था है। हमारे परम आदरणीय गुरुदेव दुर्गे भगत जी परम बंदी माता दुर्गे दुलज जी के आशीर्वाद से हम गोंडी समाज को हमारे जो धरोहर रहा है अनादिकाल से उस परंपरा को हम मानने जा रहे हैं। पहले अब गोंड शब्द की उत्पत्ति सर अपन लोग अभी तक जो जानते आ रहे हैं पांच शब्दों से जो बना है जिसमें हम लोग चितचल बाबा गगन समीरा जो कहते हैं उसके आधार पर हम लोगों ने पुरखों से मानते हुए आ रहे हैं और इन्हीं का पुजारी के रूप में हम लोग जाने जाते हैं और इसी को हम लोग स्वीकार करते हैं। ठीक, चूँकि मनुष्य का जो देह है पांच तत्वों से बना हुआ है और उन्हीं तत्वों में से हम लोग सभी उनके अनुयायी हैं। ये थी आज की खबरें और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।